हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज गुमनाम बाबा और आपको इस चैनल पे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दुनिया भर से जितने भी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। आपने एक टीवी शो भाभी जी घर पर है तो देखा ही होगा, उसमें एक पॉपुलर कैरेक्टर थे मलखान सिंह, जिनका रियल नेम दीपाश बान था। सो टुडे ही पास्ड अवे। सो एग्जैक्टली उनके डेथ के पीछे का रीजन क्या है वो तो अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि आज सुबह वो क्रिकेट खेल रहे थे जिसमें कि वो खेलते खेलते गिर गए और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। और दीपेश जी ने खाली भाभी जी घर पर है में ही काम नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कॉमेडी क्लब, भूतवाला, FIR, कॉमेडी का किंग कॉन्ग और भी बहुत बड़े बड़े टीवी शोज में उन्होंने काम किया था। सो यार, रेस्ट इन पीस एंड कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से एक कोचिंग सेंटर की वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो एक्चुअली उस वीडियो के अंदर कोचिंग सेंटर में एक आइटम सॉन्ग प्ले कर रखा है और उस वीडियो के अंदर क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ने आए हुए हैं वो उस भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर डांस कर रहे हैं और लाउडली चिल्ला रहे हैं। उस वीडियो के अंदर कोचिंग सेंटर का नाम भी क्लियरली दिख रहा है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ, उस कोचिंग सेंटर का नाम है विकास कोचिंग सेंटर। और वो वीडियो देख कर तो क्लियरली दिख रहा है कि उन बच्चों का बिल्कुल भी विकास नहीं है उस विकास कोचिंग सेंटर में। मैं आपको उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो यूपी से डॉक्टर हैं अरविंद गोयल, जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है जिसकी वैल्यू है 600 करोड़ की, वो भी यूपी गवर्नमेंट को, ताकि यूपी गवर्नमेंट हेल्प कर सके पुअर्स की। और जो डॉक्टर हैं अरविंद गोयल, उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे भी फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी मुरादाबाद के 50 विलेजेस को, और उन्होंने बताया कि ये डिसीजन उन्होंने 25 इयर्स पहले ही ले लिया था। तो सही में यार, ह्यूज रिस्पेक्ट है यादव जी को। चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो एक 62 ईयर ओल्ड वुमेन है केरला से, जिनका नाम नंजी अम्मा है, उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है 68 नेशनल अवार्ड्स में। और उनको ये जो अवार्ड मिला है वो सॉन्ग काला खट्टा सांदे की वजह से मिला है, जो कि मलयालम फिल्म आया पन्नम कोशम में था। तो सही में यार, एक छोटे से गांव से उठ के एक अवार्ड विनिंग सिंगर बन चुकी हैं, हार्टली कांग्रेचुलेशंस टू हर। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो एक सब इंस्पेक्टर हैं हरेश भाई जबालिया गुजरात से, जिन्होंने अडॉप्ट करे हैं 100 चिल्ड्रन फ्रॉम धारी के गवर्नमेंट स्कूल से। और उनको अडॉप्ट करने के पीछे का रीजन ये था कि वो अपनी सारी अर्निंग्स उन बच्चों के ऊपर स्पेंड करें, ताकि उन बच्चों का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट हो सके। तो सही में यार, ह्यूज रिस्पेक्ट है हरेश भाई को। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो WWE के चीफ विंस मैकमैन ने अनाउंस कर दी है अपनी रिटायरमेंट, क्योंकि उनके ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगे थे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के। और मिकमैन ने 1982 में वो कंपनी स्टार्ट करी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कंट्रीब्यूट कर दी थी WWE को पॉपुलर करने में पूरे वर्ल्ड के अंदर। और अब उनकी डॉटर स्टेफनी मिकमैन और निक खान बन चुके हैं co-CEOs। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।